What's going on guys, आज यार मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज जुबिन दादा का गाना आ गया भाई। SMEs गाना और जुबिन दादा का गाना हम मिस करते हैं, बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। और गाइज हम सीधा सीधा चलते हैं राघव के नए गाने पे, यानी कि राघव मूवी का नाम है। सिंगर जुबिन दादा हैं, मीनाक्षी अय्यर जी हैं, महालक्ष्मी अय्यर जी हैं, सॉरी मीनाक्षी अय्यर कहाँ चला गया मैं, महालक्ष्मी अय्यर जी हैं, जतिन बोरा सर भाई, मतलब पूरा स्टार स्टडेड गाना होने वाला है। लेट्स सी, आई होप दादा वीडियो में भी हो यार, जुबिन दादा वीडियो में भी होते तो मज़ा आता, बाकी देखते हैं। गाने का नाम है सिल मिल तुपानी ते, लेट्स सी। दादा की आवाज यार, जतिन बोरा प्रोडक्शन। दादा का म्यूजिक है ये, जुबिन दादा का म्यूजिक लग रहा है, इतने से सही बता सकता हूं, 90% चांसेस हैं कि ये दादा का म्यूजिक है। गलती हुई तो माफी चाहूंगा, लेकिन 90% चांसेस। लेट्स चेक आउट, एक बार देख ही लेते हैं, नहीं तो फिर पूरे सॉन्ग में इसी चीज की। हाँ दादा का म्यूजिक है भाई, दादा का ही म्यूजिक है, जुबिन दादा का म्यूजिक है। वी गेट टू नो दिस ब्रो। हाय हाय फ्लूट शीर मेल तो पनीते जीर मेल खपनाते आजुरी आनी बमिसार तुमार मरम रिबरी बरी पता होते पार भंगा उला होते खाबोती राखी बमिसार तुमार मरम पूरी दुआ मो क्या बात है। वीडियो अच्छी लग रही है, मतलब एडिट्स अच्छे लग रहे हैं, बट आई थिंक थोड़ा स्लो मोशन में ज्यादा चले गए हैं वीडियो में, लेकिन ओवरऑल कलर्स अच्छे हैं। एंड दादा की एक्ट को तो यार क्या ही बोलोगे, जुबिन सॉरी जतिन बोरा दादा के तो भाई मतलब अलग ही लेवल, पैशनेट लग रहा गाना, काफी अच्छा लग रहा है। एंड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या एलिमेंट्स यूज किए हैं यार, ये लद्दाख वाला एरिया ना। क्या बात है, दोनों की आवाज एक दूसरे को इतनी जबरदस्त तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही है ना, मजा आ रहा है। लेकिन यहां पे आके वीडियो बहुत मस्त लग रही है, मतलब जो विजुअल्स है बहुत प्यारे हैं, एडिटिंग बहुत प्यारी है,
कलर करेक्शन डी आई नेक्स्ट लेवल। माँ लक्ष्मी अय्यर भाई, मतलब हल्के में नहीं ले सकता तुम काके। आवाज सुनो भाई एक बार के लिए ना, ये वाला पिच दोबारा सुनना यहाँ से। তৃপ্তি রে কোলাহল বাজিছে বুকুৰ মাজত, প্ৰাপ্তি রে খুম্ভাখৰ নাচিছে দেশৰ মাজত, নতুন যাক গগনি জনা। यार दादा देख लो कितने सालों से म्यूजिक बना रहे हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज ही इज अपडेटिंग हिमसेल्फ विद द म्यूजिक, जो अच्छी चीज़ लगती है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है। कोई भी आर्टिस्ट है ना, उसे अपने टाइम के साथ अपग्रेड करना चाहिए। मुझे भी फील होता है कि मुझे स्टूडियो अपग्रेड करना चाहिए, बट अभी बजट नहीं है, बट फॉर श्योर बहुत जल्दी मैं भी स्टूडियो अपडेट कर लूँगा। और हाँ, जो जो लोग चाहते हैं कि मैं एसएमईज़ का जो कंटेंट है, यानी कि एसएमईज़ सॉन्ग्स हो गए, एसएमईज़ मूवीज़ हो गई, उनको मुझे अपने रिव्यू बाय आरजी चैनल, जो मेरा दूसरा चैनल है रिव्यू बाय आरजी, उस पर भी रिव्यू करना चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल श्योरली चेक इट आउट। बट फिलहाल के लिए मैं अभी इसी पर रिएक्शन दे रहा हूँ, रिव्यू भी दे रहा हूँ अपना, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डिटेल्ड रिव्यू बने, तो वो रिव्यू बाय आरजी चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टैग किया हुआ है, जाके आराम से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और यहाँ पे कमेंट कर देना, बता देना। भाई वोकल्स यार नेक्स्ट लेवल। गाना शूट तो ठीक है, मतलब आई हैव सीन मेनी सॉन्ग्स लाइक दिस, बट एडिट, मतलब जो वोकल्स जुबिन दादा और माँ लक्ष्मी अय्यर जी के लगे हैं इस गाने में, वो अलग ही, मतलब अलग ही लेवल। लिरिक्स कॉम्पोजिशन जुबिन गर्ग दादा, सिंगर जुबिन दादा एंड माँ लक्ष्मी अय्यर जी, ओके। म्यूजिक इज बाय जुबिन गर्ग, अच्छा। प्रोग्रामिंग एंड अरेंजमेंट इज बाय अनुपम कन्वर, ओके, ये नाम सुना हुआ है। मिक्स्ड बाय पिंकू दास, ये भी सुना हुआ है। मास्टर्ड बाय पिंकू दास एंड शेखर ज्योति गोस्वामी, क्या बात है। फिलहाल के लिए मैं जो एलिमेंट्स की बात कर रहा था, मैं बिल्कुल सही पकड़ रहा था कि फ्लूट इज़ बाय अनजान मेदी जी, जो जनरली होते हैं एसएमईज़ गाने में, अनजान मेदी जी या लखनंदन लाहो जी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, शुभांकर हजारिका इज़ ऑन सितार, पर्कशन पे हैं मनोज दास, उसके बाद गिटार पे हैं कौशिक साइक्या। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वीडियो, तो चलो हमें बढ़िया लगी ही लगी है। वीडियो के अंदर भी बात कर लेते हैं एक बार। कोरियोग्राफी इज बाय दीपक दे, डिसेंट कोरियोग्राफी, मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए नहीं होता इस तरीके के गाने में, डिसेंट कोरियोग्राफी जैसा चाहिए था वैसा है। एडिट एंड विजुअल प्रोडक्शन इज बाय प्रोतिम खाउंद, ओके खाउंद, अगर मैंने नाम गलत लिया हो तो माफ़ी चाहूँगा भाई। डी आई कलरिस्ट इज राजेश यादव, कुडोज ब्रदर, मतलब वेरी ब्रिलियंटली डन, वेरी ब्रिलियंटली डन। इतने ट्रांजिशन आए, आप ग्रीनरी से पहाड़ों में गए हो, मतलब वो ट्रांजिशन वाइब्रेंट था, अच्छा लग रहा था, और अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत प्यारा काम करा है। एरियल फोटोग्राफी बहुत प्यारी करी गई है,
जयदीप पॉल भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लगा देख के। ओवरऑल मेरे को पूरा का पूरा गाने का प्रोडक्शन डिसेंट लगा। एंड जतिन दादा, तो फिर जतिन दादा ना भाई, डायरेक्टर भी वही हैं, स्टारिंग भी वही हैं। ओहो, निशिता गोस्वामी जी का काम अच्छा है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, एंड वेरी ब्रिलियंटली डन यार। ओवरऑल गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर इसको हम रेट करने की बात करें, वैसे तो औकात नहीं है जुबिन दादा के गाने को रेट करने की। म्यूजिकली ये गाना दादा का गाना है भाई, 5 on 5 बोलूँगा, मतलब 10 on 10। अगर हम बात करें वीडियो की, वीडियो थोड़ा और क्रिएटिवली बेटर हो सकता था, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि हाँ 4.5, सिर्फ वो बेटरमेंट का 0.5 मेरे को कम लगा। बाकी हाँ, कुछ क्रिएटिव और अलग होता देखने को तो मज़ा आता है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप अच्छे लोगों को देखते हो ना, तो आपकी एक्सपेक्टेंसी थोड़ी और बढ़ जाती है कि हाँ यार, कुछ और नया चाहिए, कुछ और बड़ा चाहिए। तो बस वैसे वाला वाइब है। आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन इज ओपन, बताओ तसल्ली से। गाना ध्वनि रिकॉर्ड्स पे आया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आराम से क्लिक करो, गाना सुनो, मज़े लो, और आगे भी गाना शेयर करो। गाने पे व्यूज़ बढ़ने चाहिए, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। विल सी इन अनदर वीडियो गाइस, जय हिंद, मिलता हूँ बहुत सारी जल्दी जल्दी। इतना प्यार देते हो यार तुम लोग। अच्छा, रिव्यू वाला बता देना, मैंने बीच में तुम लोगों को एक रिक्वेस्ट करी थी, तो देख लेना ज़रा, ठीक है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी इन अनदर वीडियो गाइस, जय हिंद।